हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे और उस फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इससे रिलेटेड थ्योरम है, लेट एफ टी बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर as t tending to infinity and if f t dash is of class A, the Laplace transform of the derivative f dash t exists when p greater than a, and then formula Laplace transform of f dash t equal to p of l f t minus f of 0। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगा डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू पी ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। तो हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा डेरिवेटिव का। इसी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा हमें, एल ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल टू पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी ऑफ एफ ज़ीरो माइनस एफ डैस ज़ीरो। हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा और ये हमारा डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, एल ऑफ एफ डबल डैस टी इक्वल टू पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ ज़ीरो माइनस एफ डैस ज़ीरो। तो हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेरिवेटिव का। इसी तरीके से nth ऑर्डर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एल ऑफ एफ टू द पावर एन टी इक्वल टू पी टू द पावर एन एफ पी माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन एफ ज़ीरो माइनस पी टू द पावर एन माइनस टू एफ डैश ज़ीरो सोन ऑफ टू एफ टू द पावर एन माइनस वन ऑफ ज़ीरो। तो हमारा ये nth डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। Derivative of Laplace transforms if f t is a function of class A and if L of F T equal to F P then L of T F T equal to minus of F dash P। हमारा डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है अगर हमारे पास एफ टी कोई फंक्शन है क्लास ए का, देन एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, हमारे पास फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ पी है, तो एल ऑफ टी इंटू एफ टी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ एफ डैस पी। नेक्स्ट है इफ एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ क्लास ए एंड इफ
एल ऑफ एफ पी इक्वल टू एफ ऑफ पी देन एल ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन डी एन डी पी एन ऑफ एफ पी वेयर एन इक्वल टू वन टू थ्री सोन ऑफ टू। तो ये हमारा एनर डेरिवेटिव के लिए हो जाएगा। अगर हमारे पास एन इक्वल टू वन होगा तो एल ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस वन डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी हो जाएगा। इसी तरीके से एन इक्वल टू टू रखेंगे तो यहाँ पर एल ऑफ टी स्क्वायर एफ टी इक्वल टू माइनस वन टू पावर टू डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर ऑफ एफ पी। तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो एल ऑफ टी टू पावर एन एफ टी इक्वल टू माइनस वन टू पावर एन टी टू पावर एन डी पी एन ऑफ एफ पी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, इफ विद नेसेसरी कंडीशन L of f t equal to f p, then L of integration limit 0 to t f u du equal to 1 upon p f p। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी देन एल ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड दैट लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी एक्जिस। तब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर हमारे पास एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी हमारे पास होता है तो वहाँ से एल ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ टी अपॉन टी का। हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन एल ऑफ टी ई टू द पावर टू टी। वी नो दैट एल ऑफ ई टू द पावर टू टी इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस टू। एल ऑफ ई टू बाई ए टी इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन पी माइनस ए। यहाँ पे एक ही जगह पे टू है तो यहाँ से एल ऑफ ई टू बाई टू टी इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस टू। इसलिए एल ऑफ टी ई टू द पावर टू टी इक्वल टू माइनस टी अपॉन डी पी ऑफ वन अपॉन पी माइनस टू। सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन पी माइनस टू का होल स्क्वायर मिल जाएगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले एल ऑफ ई टू बाई टू निकाला, ई टू बाई टू टी निकाला, वन अपॉन पी माइनस टू आ जाएगा। एल ऑफ टी इंटू टू बाई टू टी इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ डी अपॉन टी पी ऑफ डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी हो जाएगा। तो माइनस ऑफ डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी की जगह पे पी माइनस वन अपॉन पी माइनस टू। तो सर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन पी माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके ट्रांसफॉर्म ऑफ एल ऑफ ई टू बाई टू टी निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन एल ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर टू टी। इसका आंसर आएगा इक्वल टू टू अपॉन पी माइनस टू का होल क्यूब। इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। जो हमने एनर डेरिवेटिव वाला निकाला था वहाँ पे एन इक्वल टू टू पुट कर देंगे तो एल ऑफ टी स्क्वायर एफ टी इक्वल टू माइनस वन टू द पावर टू इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी पी टू ऑफ एफ पी हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसे भी आप खुद कीजिएगा, फाइंड एल ऑफ टी साइन ए टी इक्वल टू। इसका आंसर आ जाएगा आपका टू ए पी अपॉन
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ पी निकाल लीजिएगा, फिर वहाँ पे एल ऑफ टी टू बार एन एफ टी का फॉर्मूला लगा के यहाँ से एल ऑफ टी साइन ए टी और एल ऑफ टी स्क्वायर ए टू बार टू टी फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन है, एल ऑफ टी क्यूब कॉस टी इक्वल टू, इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा, सिक्स पी टू द पावर फोर माइनस 36 पी स्क्वायर प्लस 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एफ ऑफ पी निकाल लीजिएगा, उसके बाद एल ऑफ टी टू बार एंड एफ टी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। हमें यूज हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सो दैट लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी इक्वल टी डी टी इक्वल टू पाई बाई टू। सॉल्यूशन देखते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू हमारे पास है साइन टी, तो इसका ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, देन इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। साइन टी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 चेंज करते हैं तो इक्वल टू टेन इनवर्स वाई 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू पाई बाय 2, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्टेन एल ऑफ साइन टी अपॉन टी हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव सॉल्यूशन देखते हैं, वी हैव एल ऑफ साइन टी इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एंड एल ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी एफ वाई डी वाई। अभी हमने ये इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे प्रोवाइडेड लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट। वी हैव लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी टी, साइन टी अपॉन टी की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास मिला एफ टी अपॉन टी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हेंस एल ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स वाई लिमिट पी टू इन्फिनिटी, लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स पी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, इसे हम कॉट इनवर्स 1 अपॉन पी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन पी इक्वल टू कॉट इनवर्स पी। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एल ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल टू कॉट इनवर्स पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एल ऑफ माइनस 3 साइन 3t। सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस 3t हमसे कंसिडर कर लेते हैं, लेट को एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस 3t, हेंस एफ डैश टी इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3 साइन 3t, इसे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एफ डैश टी इक्वल टू माइनस 3 साइन टी मिल जाएगा हमें। एल ऑफ कॉस 3t की वैल्यू होती है हमारे पास पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगी, हेंस एल ऑफ माइनस 3 साइन 3t इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं एल ऑफ एफ डैश टी, क्योंकि माइनस 3 साइन 3t किसकी वैल्यू मिली हमें एफ डैश टी इक्वल टू, अभी हमने एल ऑफ एफ डैश टी डेरिवेटिव निकाला था, हमने डेरिवेटिव
और लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था, एल ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू वैल्यू होती है हमारे पास पी ऑफ एफ पी माइनस एफ जीरो। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके एल ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू मिल जाएगी पी ऑफ एफ पी माइनस एफ जीरो इक्वल टू पी इंटू एफ पी की वैल्यू मिली हमें पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस एफ जीरो। एफ की वैल्यू हमारे पास कॉस थ्री टी एफ ऑफ जीरो हो जाएगा हमारे पास कॉस जीरो इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लेते हैं पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी माइनस वन इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन। ये हमारे पास एल ऑफ माइनस साइन एल ऑफ माइनस थ्री साइन थ्री टी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस नाइन अपॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन। सबसे पहले हम एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस थ्री टी कंसिडर करें क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री साइन थ्री टी। यहाँ से एल ऑफ कॉस थ्री टी निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस नाइन, एल ऑफ माइनस साइन थ्री टी निकालना है तो उसका एल ऑफ इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है एफ डैश टी, एफ डैश टी रखा तो यहाँ पर हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास पी ऑफ एफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस नाइन अपॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।